सोनाली बेंद्रेने मॉडेलिंग मधून ग्लॅमर विश्वात प्रवेश केला. आग या हिंदी चित्रपटातून सोनाली बेंद्रेने आपल्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली, परंतु हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकला नाही. एक बात कहूं आपसे? जी? अब मैं आपसे क्या कहूं? मैं आपका नाम तक नहीं जानता. संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबा पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है, जहां राज को छुपाया न जाए, मोहब्बत में चित्रपट होता. वो तो क्यों है ना? अरे पहलवान है, वो तुमसे प्यार करती है. हो नहीं सकता. तुम्हें भी उससे प्यार करना ये हो नहीं सकता. वो देखो तुम्हें. अरे बाप रे, अरे ये हो नहीं सकता. होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम. सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है. सरफरोश या चित्रपटात सोनाली ने परफेक्शनिस्ट आमिर खान सोबत उत्तम भूमिका बजावली. हम साथ साथ है या मल्टीस्टार चित्रपटात सोनाली बेंद्रे ने एक गोड लाजऱ्या मुलीची भूमिका केली व त्या तिने उत्तम नृत्य प्रदर्शन ही केले. अनाहत हा सोनाली बेंद्रेचा एकमेव मराठी चित्रपट होता. अमोल पालेकर दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा फारच बोल्ड होती. एकच गोष्ट, नियोगाच्या धर्मसंमत प्रथेनुसार त्रिवार संधी दिली जाते ना. अमात्य सभेचा निर्णय देखील मला त्रिवार संधी देण्याचाच होता. हो ना? होय महाराणी. तर मग घोषणा देण्याची व्यवस्था करा. आजपासून एका सप्ताहानंतर महाराणी शीलवती पुनश्च एक वार धर्मनटी बनून राजप्रांगणात उतरतील. आपण मर्यादांचं उल्लंघन करता. ही आज्ञा आहे महामात्य, राज आज्ञा. विलायती हत्यारे ने जिधर अपने भाई को चलता किया है, वही मेरे नंदू को मुझसे छीनकर पार्सल कर देना चाहता है. अरे जानता नहीं है अभी बिजुरिया किस बला का नाम है. विलायत से घसीट कर चिंचपोकली के पुलिस स्टेशन में उसके पूरे मयूर कुटुंब की लाइन लगा दूंगी. हाँ, आज के आज दावा ठोको उस हलकट पर.
डुप्लिकेट या चित्रपटात सोनाली बेंद्रेने एका खलनायिकेची भूमिका केली होती. सुनो ना हम तुम पे हक तो दो ना चाहे तो जान लो ना कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होठ जैसे खुद ही सिल गए ये होठ जैसे खुद ही सिल गए ऐ नासनी सुनो ना हम तुम पे हक तो दो ना चाहे तो जान लो ना कि देखा तुम्हें तो होश उड़ गए होठ जैसे खुद ही सिल गए ये होठ जैसे खुद ही सिल गए